हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस देखते हैं जिनमें कुछ न कुछ चेंजेज जरूर होते रहते हैं। जैसे कि हमने कई बार देखा है, दूध है वो खराब हो जाता है, लोहा जो है उस पर जंग लग जाती है, ग्रेप्स है फर्मेंटेड हो जाते हैं, या फिर जब खाना है उसको पकाया जाता है तो उसमें भी चेंज हो जाता है, फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है या हम सांस लेते हैं। अब इन सभी सिचुएशंस में हमने देखा कि कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। वी कैन से दैट इन ऑल अबाउट सिचुएशंस द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड, कि जो पहले जो सब्सटेंस था या तो उसके नेचर में चेंज आया है या वो बिल्कुल ही चेंज हो गए। अब हमने पहले वाली जो क्लासेज हैं उनमें हमने फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज के बारे में पढ़ा था। अब इस चैप्टर में हम केमिकल चेंजेज के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि जब जब केमिकल चेंज हुआ है इट मीन्स केमिकल रिएक्शंस हुई है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक पेपर लेते हैं और उसके पीसेज कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि पहले जो पेपर था और उसके जो पीसेज हुए उनकी प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं आया, उसके नेचर में कोई भी चेंज नहीं आया, बस उसका साइज है वो बदल गया है। वो पहले भी कागज़ था और बाद में जो उसके पीसेज हैं वो भी कागज़ हैं। लेकिन अगर हम उस पेपर को जला देते हैं तो वो राख बन जाती है, वाइट कलर का एस बन जाता है। तो देखिए, पहले कागज़ था बाद में वो राख बन गया है, तो वो जो पेपर है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। इट मीन्स केमिकल चेंज हुआ है, और केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन होती है। एक एक्टिविटी करते हैं, इस एक्टिविटी में हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है उसके साथ ये रिएक्शन करता है और क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस एक्टिविटी को करने से पहले कुछ हमें सावधानियां रखनी पड़ती हैं, जो जो वहां पर है एक्टिविटी के दौरान उन सबको आई ग्लासेज पहनने पड़ते हैं। अब ये आई ग्लासेज क्यों पहनने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे ही मैग्नीशियम रिबन बर्न किया जाता है उसमें एक लाइट प्रोड्यूस होती है, उसकी इंटेंसिटी इतनी होती है कि हमारी आँखें खराब हो सकती हैं, हमारी आँखों की रोशनी बिल्कुल जा सकती है। इसकी सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको एक सैंड पेपर से या रेगमाल से अच्छे से रगड़कर साफ किया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम एक वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है, जब इसको ओपन एयर में छोड़ा जाता है तो ये रैपिडली ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की वाइट लेयर इस मैग्नीशियम रिबन पे डिपॉजिट हो जाती है। जो ऑक्साइड की लेयर है वो बर्न करने में डिफ़िकल्टी पैदा करती है, मीन्स प्रिवेंट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। दैट इज़ वाई मैग्नीशियम रिबन इज ऑलवेज क्लीन्ड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। थर्ड है, इस एक्टिविटी में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, यह इसका आंसर ये आ गया, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, जो मैंने पहले बताया है, एंड चेंजेज इंटू वाइट पाउडर। वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो देखिए, ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इस एक्टिविटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप इस एक्टिविटी को देख सकते हैं। आई बटन को आप दबाएंगे उसमें भी इस एक्टिविटी का लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो यहीं तक ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।